वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, हो जाइए सावधान, आने वाले अगले 7 दिनों में बहुत बुरा हाल होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों बुरे कर्मों का घड़ा फूट चुका है। आने वाले अगले 7 दिनों में सच्चाई निकल कर शव के सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि अगले इन 7 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों पानी सर से ऊपर जा चुकी है। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी संभलने का वक्त है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, माना कि दोस्तों एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में अंतरिक्ष में ऐसा ग्रह गोचर निर्मित हो रही है जिसका सीधा सीधा असर आपके कुंडली पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका असर कुछ नकारात्मक भी होंगे और कुछ सकारात्मक भी होंगे। कहीं कहीं आपको शुभ फल देंगे तो कहीं कहीं आपको अशुभ फल भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कैसे पहचान करनी है कि कौन सा कार्य करने से शुभ फल मिलेगा और कौन सा कार्य करने से आपको अशुभ फल मिलेगा, इसकी पहचान अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में कोई खतरा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसकी पहचान करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, उसकी पहचान आप तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सारी जानकारियां दिए हैं, कार्य से लेकर उपाय तक कुछ सावधानियां बताएंगे, कुछ जरूरी बातें हैं। कुल मिलाकर आज की वीडियो आपके लिए फायदे के लिए है, इसलिए दोस्तों इन्हें आप अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले वे सभी लोग वीडियो को लाइक करें जो भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, कालों के काल, जय श्री महाकाल, जो भी लिखेगा जय श्री महाकाल, उनके जीवन में ना रहेंगे कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए जय श्री महाकाल। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी वो दुखी ही रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है। आप तब तक दुखी रहेंगे जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं बदलते, इसलिए खुद को बदलना सीखिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के यह अनमोल ज्ञान अगर आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए दोस्तों बात करते हैं, आने वाले अगले 7 दिनों में वो कौन सी सच्चाई निकलकर शब के सामने आने वाली है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं, अगर कोई राज की बात आपने छुपा कर रखा है, जो कि सबसे छुपा कर रखे थे, किसी को भी नहीं बताना चाह रहे थे, बिल्कुल उसे सीक्रेट रखना चाहते थे, तो वह बात आने वाले अगले 7 दिनों में उजागर हो सकती है। जी हाँ, शब को पता चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर निर्मित हो रही है वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। आपके दुश्मनों द्वारा, आपके शत्रुओं द्वारा कोई राज की बात आपको पता चल सकती है, जिसके जानने के बाद आप एकदम से चौंक जाएंगे, इसलिए समय के साथ आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपको फ्री में कोई सलाह दे रहे हैं, कोई सीख दे रही है, तो आपको उनकी बातों में बताई गई चलने पर से अच्छी तरह से सोच विचार कर लेनी है कि वो कहीं आपको गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आगे चलकर आप ही को परेशानी में पड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। गुस्से और जल्दबाजी पर भी काबू रखना बहुत ही जरूरी है। समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर बिल्कुल ना उलझें। जी हाँ, वहम से आपकी परेशानियां अभी बढ़ सकती है। क्षमता से अधिक उधार ना लें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय तरक्की के नए मौके मिल सकती हैं। अनुकूल समय का फायदा उठाएं और रुके हुए काम करने के लिए अच्छा समय है। विरोधी आपके ऊपर हावी होंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व के सामने उनके काम पूरे नहीं हो पाएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही व्यस्तता से राहत पाने के लिए आपको जो है अपने मूड में थोड़ा सा आराम लेने की जरूरत है। कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन धैर्य और संयम से काम लें, गुस्से पर काबू रखें। इस वजह से आप अपने कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, अपने कामों पर होना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा सा आत्मचिंतन में जरूर समय लगाएं। संतान का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपकी चिंता बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कामकाज को बढ़ाने वाली योजनाओं पर काम करना होगा, जल्द ही उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। नौकरी में हल्की फुल्की परेशानियां रहेंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आप धैर्य और विवेक से किसी अधिकारी की मदद से परेशानियां सुलझा लेंगे। ऑफिशियल यात्राएं होती रहेंगी। आने वाले अगले 7 दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से परिवार में सुख बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग के कारण बदनामी हो सकती है, सावधान रहिएगा। और खासकर जो है अभी विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। दिखावे के चक्कर में खर्चा करने या कर्ज लेने से बचिएगा, वरना आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसियों से उलझे नहीं, शक और वहम से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हैसियत से ज़्यादा उधार ना लें, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कत होगा। संतान को मार्गदर्शन की अभी ज़रूरत है और बिजनेस में काम ठीक ठाक चलते रहेंगे। बहुत अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, किसी कर्मचारी की वजह से दिक्कतें आपको हो सकती है, अच्छी रणनीति बनाकर काम करें। और कुछ कानूनी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस का माहौल अनुकूल रहेगा, आपका ध्यान अपने काम पर होना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। घर का माहौल भी सुखद रहेगा। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की वजह से आपकी इमेज खराब भी हो सकती है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 7 दिन उधार दिया हुआ या फंसा हुआ पैसा निकलवाने के लिए समय अच्छा है। फाइनेंस या लेन देन संबंधी कामकाज के चलते रहेंगे और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मदद आपके लिए भाग्य उदय होने वाली रहेगी। जी हाँ दोस्तों, किसी धार्मिक स्थान पर मानसिक सुकून मिलेगा, आप उनमें नई ऊर्जा भी महसूस करेंगे। थोड़ा सा आत्मचिंतन में समय लगाएं, इससे आपको उलझे हुए सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और भावुकता और उदारता पर काबू रखें। इनकम के नज़रिए से फ़ायदा भी उठा सकती हैं और किसी नज़दीकी संबंधों को लेकर कंफ्यूज और हताश जैसी स्थिति अभी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में अपनी योजनाओं पर और काम करने के तरीकों को सीक्रेट रखें। आपका ही कोई कर्मचारी आपकी सूचनाएं लीक कर सकता है। अपने काम की क्वालिटी और बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस समय कामकाज संबंधित चुनौतियां सामने आएगी, हालांकि आप उनका सामना कर लेंगे। ऑफिस की दिक्कतें भी अभी आपकी दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर खास उपाय की बात करें तो अगर आपको जो है बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है,
तो प्रतिदिन भगवान हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध बूंदी का लड्डू का भोग लगाएं, इससे भगवान श्री हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपकी सभी परेशानियां सभी बाधाएं दूर होंगी और कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों उपाय बहुत ही कारगर चमत्कारिक है, जरूर आजमा कर देखिएगा, आपको लाभ होगा। दोस्तों